जावेद अख्तर ने तारिक फतेह से पूछा विश्व हिंदू परिषद को लेकर सवाल। दो दिन बाद ये मिला जवाब। नमस्कार दोस्तों, गीतकार जावेद अख्तर अक्सर ट्वीट कर अपनी विचारधारा सबके सामने रखते हैं। हाल ही में CAA और NRC का विरोध करते हुए भी उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए थे, लेकिन इस बार उनका एक ट्वीट चर्चा में आ गया है, क्योंकि अपने इस ट्वीट में उन्होंने लेखक तारिक फतेह से ट्वीट कर एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछ डाले। 1 मार्च को किए गए ट्वीट में उन्होंने तारिक फतेह से पूछा, तारिक साहब, हम दोनों ही खुलेआम मुस्लिम कट्टरपंथियों और मुलाओं के खिलाफ हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुद्दा है जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से आप पूरी तरह असहमत हो। उम्मीद है कि नैतिकता के आधार पर आप इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करोगे। इसका जवाब जावेद अख्तर को नहीं मिला तो उन्होंने एक नया ट्वीट कर उन्हें याद दिलाया कि अब भी वह उनके जवाब के इंतजार में। इसके बाद 3 मार्च को तारिक फतेह ने जवाब देते हुए लिखा, आपको नहीं पता लेकिन विश्व हिंदू परिषद से मेरा रिश्ता ऐसा रहा कि अमृतसर में एक नेता से भिड़ने के बाद मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी गई थी। पुलिस ने होटल में छापा मारा, जिसके बाद मैंने सामान छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। तारिक ने आगे लिखा, मैं पिछले 50 साल से CPI का समर्थक रहा हूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो और दूसरे मार्क्सवादी दुनिया में इस्लामाबाद के खतरे को नहीं पहचान पा रहे। इस्लामाबाद मानव सभ्यता के लिए खतरा है, इसे पहचानने के बाद मैंने उन सभी राजनीतिक ताकतों का समर्थन करता हूं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जैसे नफरत के सौदागर का नहीं है। इस जवाब के बाद जावेद अख्तर ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये ठीक है कि आप उन सभी राजनीतिक ताकतों का विरोध करते हैं जो इस्लामाबाद के खिलाफ है, लेकिन जब आप विहिप को नफरत का सौदागर अगर कह रहे तो फिर आप ऐसी राजनीति ताकतों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो न केवल विहिप को सपोर्ट करते हैं बल्कि उसे सक्षम बना रही है कि आपको भी उनसे और पुलिस से बचकर भागना पड़े। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।